बॉलीवुड की फिल्मों में भरपूर कॉमेडी कर लोगों को हंसाने वाले अभिनेता राजपाल यादव असल जिंदगी में अलग अलग कंट्रोवर्सीज के चलते बहुत परेशान और दुखी रहते हैं। जहां पहले इन पर 5 करोड़ रुपए का लोन लेने के बाद उसे टाइम पर न लौटाने और बेईमानी करने का केस फाइल हुआ था, अब ये एक और नई प्रॉब्लम में पड़ गए हैं क्योंकि इन्होंने स्कूल के एक छात्र को बुरी तरह से पीटा है, जिसके चलते इनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। जी हां दोस्तों, फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में शूटिंग के दौरान एक छात्र को टक्कर मारने के दौरान के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। इस मामले में राजपाल यादव जी ने भी छात्र के खिलाफ शूटिंग में बाधा डालने के लिए शिकायत की है। पर यादव उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के कटरा इलाके में अपनी आने वाली फिल्म लक्ष्मी टॉकीज की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग देखने के बाद इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। इस दौरान इन्हें शॉट देने के लिए स्कूटर चलाना था। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूटर चलाने के दौरान राजपाल यादव का बैलेंस बिगड़ा और इन्होंने छात्र को टक्कर मार दी। इस मामले में बालाजी नाम के छात्र ने मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। यह भी कहा गया कि टक्कर मारने का विरोध करने पर राजपाल यादव ने इनके साथ मारपीट भी की है और उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। वहीं इस मामले में फिल्म की यूनिट और राजपाल यादव की ओर से भी पुलिस में शिकायत की गई है। इसमें कहा गया है कि बार बार मना करने के बाद भी वहां मौजूद लोग शूटिंग में बाधा पैदा कर रहे थे। आरोप लगाया है कि शूटिंग के दौरान लोग वीडियो बना रहे थे और मना करने के बाद भी यूनिट के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।